बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसकी 7 क्लास हम देख चुके थे। पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको हमने गहराई से जाना था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। हमने कहा था कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की या विद्युत ऋणात्मकता, इसको समझने की कोशिश करो। देखिए, मान लीजिए एक कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसा है? ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल में है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम समान हैं, उन दोनों एटम्स के बीच में यह बॉन्ड बना हुआ है। तो दोनों एटम समान होने के कारण से उनके जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एटम्स पर उनका समान अधिकार होगा। मान लीजिए जैसे N2 है या O2 या फिर Cl2, इसमें एक क्लोरीन एटम दूसरा क्लोरीन एटम, या एक ऑक्सीजन एटम दूसरा ऑक्सीजन एटम, या एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन एटम, इन दोनों एटम्स का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उन पर समान अधिकार होगा, उन पर बराबर अधिकार होगा। लेकिन यदि ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल ना होकर हेटरोडायटमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि विषम द्वि परमाणु कणु है, यानी कि दोनों एटम अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए HCl की हम बात करें, H और Cl, तो H की तुलना में Cl पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं वो H की तुलना में Cl पर अधिक होते हैं, या हम कहें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl पर अधिक होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहलाती है। फिर बात समझना ध्यान से, साझे के इलेक्ट्रॉनों को, कौन से साझे के? कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, या ऐसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहते हैं। कुछ समझ आएगा अच्छी तरह से? इसका मतलब क्या होगा कि अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड ना रहकर आयन पार्शियली पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, या पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। यह बंध विशुद्ध सहसंयोजक बंध ना रहकर ये कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दो एटम्स हैं, जैसे हम बात करते हैं एक एटम भी ए और दूसरा एटम भी ए, इन दोनों पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों पर समान अधिकार होगा, दोनों बराबर होंगे। लेकिन यदि एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, और बी की पर इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर अधिक खींच लेता है, तो ये कैसा आ जाएगा? ये ए पार्शियली पॉजिटिव और बी कैसा हो जाएगा? पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ या बी की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को बी ले जाएगा। तो बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। यदि ए की ज़्यादा होती तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक इस पर होती, तो ये कैसा जाता? ए पार्शियली नेगेटिव और बी पार्शियली पॉजिटिव हो जाता। तो साझे के इलेक्ट्रॉनों का किसी एक एटम की ओर आकर्षित होना, अपनी ओर साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कहलाता है। बात समझ आ गया? अब बात करते हैं इसके पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन, इसको समझ ले, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट किसमें जाएंगे? पीरियड में, किसी भी आवर्त में हम बाईं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज होती है। आवर्त में पीरियोडिक टेबल को दिमाग में बिठाओ और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आते आते इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। और इसी तरह से जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है या फिर घटती चली जाती है। तो ये पीरियडिक फंक्शन आपके समझ में आ गया, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, अब इसके आता है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? इसका पहला मेथड है पॉलिंग मेथड, पॉलिंग की विधि। पॉलिंग की विधि के द्वारा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई मॉलिक्यूल है ए बी, यदि ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड हो तो इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी। यदि ये ए की तुलना में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए पार्शियल नेगेटिव और बी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीन इनकी स्थितियाँ हमें दिखाई दे रही है। ये कैसी है? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, यह भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कैसा है? प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये आप अच्छी तरह जानते हो कि कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। सहसंयोजक बंध की तुलना में आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग या प्रबल होता है। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण से पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज या पोलर स्थिति उत्पन्न हो रही है तो होगा क्या? अब इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने की तुलना में यदि ये स्थिति अभी इसमें शामिल है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो जो एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी है वो अधिक हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? देखिए ये एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी ए बी की, ये क्या एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ये हमने कैसे निकाली? ये निकाली क्योंकि इसमें पार्शियल करेक्टर भी आ गए। इसमें से किसको माइनस कर दो? ई ए ए प्लस ई बी बी, ये निश्चित रूप से कम होगी और ये इसकी एक्चुअल जो बॉन्ड एंथैल्पी है ये अधिक होगी। इसके अंतर को हम किससे रिप्रेजेंट करें? डेल्टा से। दोनों का अंतर हमने निकाल लिया, ये किसके बराबर है? डेल्टा। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ये बराबर होती है 0.1017 अंडर रूट डेल्टा किलो जूल मोल माइनस। इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये पॉलिंग मेथड है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा मेथड है मिलिकन्स मेथड। मिलिकन्स मेथड, मिलिकन ने क्या कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनका एवरेज कर लो, इनका सम करके दो से भाग दे दो। देखो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन टू, ये कर लीजिए। तो इससे क्या जाएगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन जब ये रिजल्ट से वास्तविक रिजल्ट देखें तो उनमें लगभग 2.8 टाइम्स का डिफरेंस था, 2.8 गुना अंतर था। तो बाद में इसको कैसे चेंज किया? आई ई प्लस ई ए अपॉन कि टू तो पहले से ही कर रखा था, कितने का अंतर था? 2.8 टाइम्स का अंतर था। और यदि इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ये तो किस्मत थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल पर कन्वर्ट करना है तो 96.48 से यहाँ और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो ले आ गया लगभग आई ई प्लस ई ए अपॉन 540। इससे इसकी आ गई किलो जूल पर मोल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो मिलिकन मेथड से कैसे निकाला हमने? आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अपॉन क्या कर देंगे? 540, और किलो जूल पर मोल में यह वैल्यू आ जाती है। तीसरा मेथड है ऑलरेड एंड रोशो मेथड। तीसरा मेथड ऑलरेड एंड रोशो मेथड, रोशो मेथड। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालने का तरीका बताया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर है 0.744, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बराबर 0.744 प्लस 0.359 जेड फैक्ट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है?
क्या था उन्होंने, कैसे निकालो इलेक्ट्रॉन इंडिविटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता से 0.744 ये फिक्स वैल्यूज है, 0.359 जेड इफेक्ट, यानी कि जेड इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश पता हो और ये आर स्क्वायर की वैल्यू पता हो तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तीन मेथड है जिनसे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाली जाती है, पहला पॉलिंग मेथड, दूसरा मुलिकन्स मेथड और तीसरा ऑलरेड और रोशो मेथड। इन तीन विधि से हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोवलेंट बॉन्ड में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है यह हमने सीखा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का निर्धारण कैसे करेंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा वो अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम होगा। फिर हमने देखा इसका पीरियडिक फंक्शन कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। और फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का निर्धारण कैसे करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो तीन मेथड हमने सीखे, एक था पॉलिंग मेथड, दूसरा था मिलिकन्स मेथड और तीसरा था ऑलरेड एंड रोशो मेथड। अब अगली क्लास में हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग की और केमिकल बिहेवियर की बात करेंगे। धन्यवाद।